तो हेलो एवरीवन, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है जी। आपका अभ्यास तो होपफुली अच्छा चल ही रहा होगा, है ना? तो ठंड से बच के रहिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों पे रखिए। अभिमन्यु आयस के साथ स्टूडेंट्स बात इस तरह है, देखो हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना डीए के कुछ बच्चे हैं, उसको करवाऊंगा मैं भी। हमारे आज से देखो हम क्या करने लगे हैं, आज से मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे हैं। मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस वाई भाई, क्यों मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए? वाई अगर मैं बोलूं वाई, देखो जब तक हम पर टॉपिक करते रहेंगे ना, टॉपिक वाइज हम चल ही रहते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जैसे भी हमने सारे ऑलमोस्ट कवर किए हैं, ठीक है। जो थोड़े बहुत बच गए वो किस दिन में सेशन में ले आऊंगा मिक्स क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना सिलेबस कवर किया, ठीक है भाई। हमने जो सिलेबस कवर किया क्या उसमें से हम इजिली क्वेश्चन कर पा रहे हैं, माफ कीजिए, ठीक है। इसका मतलब यहां पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज आपको एडवांस सॉल्यूशंस तो मिल ही रहे हैं, एडवांस टाइप के सॉल्यूशंस तो आपको इसमें मिल ही रहे हैं, बट आपको इसमें क्या मिलेगी, एक अप्रोच मिलेगी कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से हमें क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना चाहिए। स्टूडेंट्स चलिए चलते आगे। देखिए इसके साथ इंपॉर्टेंट है आपकी टेस्ट सीरीज, मैं भी बता दूं, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है ना, नॉट इवन एचसीएस प्रीलिम्स, है ना, या सीसेट बोलो बेसिकली, आप सबसे बड़ा जो इसका मंत्र होता है ना वो कौन सा होता है आपका, मॉक टेस्ट सीरीज। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर उसके मॉक टेस्ट, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। जैसे हमने बड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया तो अब टेस्ट सीरीज लगाने का टाइम है, बिकॉज हमारे पास ऑलमोस्ट मंथ ही बचा हुआ, ठीक है। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। जुड़े रहिए अभिमन्यु आईएएस के साथ। और नंबर वन है क्यों, इसके पीछे की रीजन है वो मैं आपको अभी कुछ क्षणों बताता हूं। देखिए क्या 41 प्लस सिलेक्शन थी हमारी किसमें 2021 में, 41 से ज्यादा सिलेक्शन 2021 में, नेक्स्ट ईयर 27 से ज्यादा सिलेक्शन कब थी मेरी 2022 में, ठीक है। तो याद रखिए, और 2022 में नंबर ऑफ सीट्स भी तो कम थी इसलिए कम है, या मैं ज्यादा ज्यादा है, क्लियर। तो परसेंटेज बहुत अच्छा नंबर है। अब अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, बहुत ही वैल्यूएबल बहुत ही रीजनेबल टेस्ट सीरीज है। देखिए नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए, 26 टेस्ट दिए हुए स्टूडेंट्स, कितने का 8500 का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपीज का मेरे पास, क्लियर। इसमें क्या मिल रहा है, कंप्लीट जनरल स्टडीज के 4 टेस्ट मिल रहे हैं आपको और सी सेट के कंप्लीट 4 टेस्ट मिल रहे हैं, और लिंक आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी इसको अवेल कर लीजिए। और देखो डरने वाली बात नहीं, जो बच्चे हरियाणा जी को लेकर थोड़े परेशान है ना, जो बच्चे थोड़े हरियाणा जीके को लेकर परेशान है, बिकॉज 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उसका भी हमारे पास सलूशन है। क्या सलूशन, देखिए हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज है, देखिए 10 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके पास आने ही आने, ठीक है स्टूडेंट। 500 एमसीक्यू है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए के, यानी 400 रुपए के 500 एमसीक्यू, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज अभी के अभी अवेल कर लीजिए, क्लियर। चलिए आज हमारे पास है हमारा मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नंबर वन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, ऐसे मिक्स सेट भी आएंगे और आपके पास पर टॉपिक भी चलता रहेगा जो चल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन बेसिकली किस टॉपिक से है, थोड़ा सा बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर वन इज, अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स पार्सली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड पार्सल ऑन बाइसाइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई इट। देखो आपको लग रहा होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हमें क्या लग रहा है, यस हमें बेसिकली लग रहा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मुले से, यस फॉर्मुला तो लगाना ही है, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, लगेगा एलिगेशन, हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, क्लियर, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब सुनिए, हाँ मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर 7 आवर्स पार्सली, यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अल्टीमेटली जो मेरे पास स्पीड है पूरे जर्नी के लिए वो कितनी रहेगी, 80/7 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मैंने कहा फुट, अगर मैं फुट की बात करूं, फुट पे कितना 8 किलोमीटर पर आवर,
अच्छा जी, एंड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पे कितने 16 किलोमीटर पर आवर। अब समझो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आप कुछ बार फुट पे चले, ठीक है, फिर हम कुछ टाइम बाईसाइकिल पे चले, और अल्टीमेटली जो मैंने स्पीड एक्वायर की ना, अल्टीमेटली जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक्वायर की स्पीड वो कितनी थी मेरी 80/7 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, वो कितनी थी मेरी 80/7। ठीक है, अब आप कहोगे सर माइनस कर देते हैं। हाँ भाई बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, देखो बट इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, इसको भी सात से मल्टीप्लाई करो, इसको भी सात से करो, इसको भी सात से करो, बस सात से किया खत्म। ये कितना हो गया मेरे पास, अगर मैं फुट की बात करूं और बाईसाइकिल की बात करूं, फुट की बात करूं 56, बाईसाइकिल की 112, और अल्टीमेटली कितनी बचा मेरे पास 80। माइनस करो इसे इधर 32, और माइनस करो कितना है 24, यानी 8 × 32 और 8 × 24, तो 4:3 आ गई है, इट इज 4:3। अबे 4:3 क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये 4:3 पहले ये बताइए आया क्या, ये बेसिकली मेरे पास किसका रेशो आया ये बताना पड़ेगा आपको मुझे, ये बेसिकली सुनो किसका रेशो आया, ये मेरे पास आया टाइम का रेशो। कैसे, देखो मैं बताता हूं, अभी एलिगेशन एंड मिक्सचर आप लगाओगे ना, जैसे क्या है किलोमीटर पर आवर, क्लियर, पर के साथ क्या आ रहा है टाइम, आवर किसकी यूनिट है मेरे पास, पर के साथ क्या आ रहा है टाइम आ रहा है बस, तो ये टाइम है, तो इसका मतलब अगर मैंने फुट से ट्रेवल किया तो 4 घंटे चला, अगर मैं बाईसाइकिल से ट्रेवल करूंगा तो कितने टाइम चलूंगा 3 आवर चलूंगा, ये समझिए पहले तुम, ठीक है। इसका मतलब फुट की मेरी अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस ऑफ फुट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फुट टू टाइम ऑन, डिस्टेंस मुझे रखना है, तो डिस्टेंस ऑफ फुट कितना आएगा, स्पीड ऑफ फुट कितना है मेरे पास, अगर मैं बात करूं ओरिजिनल कितनी थी 8, और टाइम कितना आ गया 4। याद रखना, ये नहीं लोगे आप कहीं ये लेके गलती कर लो, तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी 32 किलोमीटर इज द राइट आंसर, क्लियर। फुट से पूछा था तो 32 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए चलिए, विदाउट एनी स्टॉपेज अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट पर आवर डज ही स्टॉप। ये है भाई आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, एनीथिंग दे कैन आस्क यू। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को पहले आप मुझे बताइए, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। प्लीज ट्राई करो, पहले करो, अगर ट्राई कर लो, अरे भाई ट्राई तो कर लो एक बार, बता दूंगा कोई दिक्कत ना है, हरियाणा में भी बोल दिया अब तो मैंने ना। चलो देखो पहले क्या दिए, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है वो, स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड ऑफ, और सेकंड कितना है 28, पहला 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरा कितना 28 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे पहली बात, ऐसा एक क्वेश्चन हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में किया था, अगर ना पता चले तो वो सेशन देखिएगा जाके, ठीक है। मैंने क्या लिया था, मैंने यहां पे कुछ डिस्टेंस लिया था, तो ये क्या था एलसीएम ऑफ आपका स्पीड, यानी 42 को मैं कैसे लिखूं, देखो एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या भाई, इसका लिखो 14 × 3, इसका लिखो 14 × 2, यानी 14 × 3 × 2, यानी 42 × 2 इज हाउ मच, मैंने क्या लिखा 14 × 3 × 2 किलोमीटर, ये मेरा डिस्टेंस आ गया, क्लियर। अच्छा अगर मेरा डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, तो टाइम कितना लगेगा 42 यानी 2 आवर। अच्छा दूसरे में टाइम कितना लगेगा 14 × 28 यानी 3 आवर, पहले में 2 घंटे दूसरे में 3 घंटे। अच्छा एक बात बताइए, इनिशियली 2 आवर लग रहे हैं, यानी क्या कहोगे 120 मिनट लग रहे हैं, क्लियर। अगर मैं फाइनली की बात करूं, फाइनली कितने घंटे लगे 3 आवर, यानी कितने 180 मिनट।
यानी दोनों के बीच में बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, दोनों के इसी में कितने का डिफरेंस है। आप कहोगे सर 60 मिनट का, इसका मतलब 60 को तीन बराबर भागों में बांट दो, यानी अगर मैं बात करूं 60 बटे तीन कितना हो गया 20 मिनट। अब डिवाइडेड बाय मैंने क्यों किया तीन, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम टाइम कितना है तीन आवर, तीन आवर में खत्म करके चार होता तो 60 बटे चार करता तब आंसर कितना आता मेरा 15। क्लियर? तो अभी के लिए आंसर कितना ऑप्शन नंबर बी 20 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए चलिए जी, ये मेरा बोर्ड है स्ट्रीम से क्वेश्चन। चलिए कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से बता सकूं इस क्वेश्चन को। चलिए क्या दिया, अब बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 आवर 48 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस, मतलब इट टाइम ऑफ अपस्ट्रीम दी है, व्हाइल इट टेक 4 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउनस्ट्रीम, और ये कितना दिया मुझे टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। पहले एक बात समझो मेरी ध्यान से, देखो अगर मैं लिखूं स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम अगर मैं अभी लिखूं डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये मेरा ए सी बी डिस्टेंस है, सपोज कीजिए, थोड़ी सी मैं बेसिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में देन आसान रहेगा। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, मैं पहले ए से बी पे क्या, ये था मेरा अपस्ट्रीम, ठीक है, फिर मैं बी से पे है तो डेफिनेटली ये मेरा क्या होगा डाउनस्ट्रीम, यानी ए से बी और बी से डिस्टेंस सेम है, यानी अगर मैं क्या कहूंगा डिस्टेंस क्या मेरे पास डिस्टेंस अगर सेम है तो अगर ये सेम है या बोलो कांस्टेंट है तो आप क्या कहोगे वन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम हो सकता है और टाइम इज इक्वल टू वन बाय, इन दोनों में से मैं कोई भी कंडीशन फुलफिल करवा सकता हूं, इसी को मैं यूज करने वाला हूं क्वेश्चन में। क्लियर? देखो कैसे मैं इसे यूज करता हूं ध्यान से देखिएगा, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखिए मुझे क्या दिया है टाइम, ये मैं अपस्ट्रीम की बात करूंगा और मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा, ठीक है। 8 आवर 48 मिनट्स का मतलब क्या है, 8 आवर इस 48 को भी आवर में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, तो 8 प्लस 4 बाय 5 8 पंजे 40, 4 44 बटे 5 आवर कह सकते हो। तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया है 44 बाय 5 आवर और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया मुझे 4 आवर, तो काटो जरा कितना आ गया, अगर मैंने टाइम को लिया तो कितना आ गया 11:5। तो क्या मेरे पास ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्ड अप हो चुका है कि टाइम का रेशो कितना आ गया 11:5। मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस कांस्टेंट तो टाइम स्पीड स्पीड टाइम, तो स्पीड क्या होगा मेरे पास 1 अपॉन टाइम यानी 1/11:1/5 यानी कितना होगा 5:11। ये बताइए ये चीज क्लियर हुई, होपफुली क्लियर हुई भी होगी। चलो भाई अगर इतनी सी बात क्लियर फिर तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन 90% हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब सिर्फ आपको एक ही बात पता होनी चाहिए जो मैं भी बता रहा हूं। देखो अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, मुझे स्पीड का रेशो मिल गया, ये कौन सी है मेरी अपस्ट्रीम और ये क्या मेरे पास डाउनस्ट्रीम। मुझे क्या बोला जा रहा है रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट, देखो स्पीड ऑफ द बोट क्या होती है मेरे पास स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 और स्पीड ऑफ द वॉटर क्या होती है मेरे पास, अच्छा सॉरी बोट है ना बोट में होगा माइनस, एक मिनट बोट है ना बोट में प्लस ही रहेगा, वॉटर में माइनस होगा स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा किसी वॉटर से ज्यादा होनी चाहिए वरना काम खराब हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो गया डाउन स्पीड कितने 11:5/2 रेशो डाउनस्ट्रीम कितने स्टूडेंट्स 11 माइनस ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर माइनस 5 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना हो गया 16:2 डिवाइडेड बाय 6:2, तो ये कितना हो गया
8:3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा जरा, है ना, मेरे को देखो यहां पे क्या था, याद रखो जब भी बोट की बात आएगी प्लस वाटर की बात आएगी स्पीड, क्योंकि वाटर की स्पीड बोट से ज्यादा होगी तो वो अपने साथ ही ले जाएगा भाई, ये सारी बोट को खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्लियर। चलिए जी, आंसर इज 8:3, जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ यहाँ ऑप्शंस की तरफ, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसे नोट कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बताओ जरा, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने क्लास में भी किया था। देखिए क्या दिया, देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि मेरे पास क्या है, 6 साल में 60% का इंक्रीमेंट हो गया सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है। व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 आफ्टर 3 इयर्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज, इन 6 ईयर, अगर मैं 6 साल की बात करूं, देखो मुझे एक चीज बताए कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट हर साल 6 सेम रहते हैं, तो 6 ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 60%। तो 1 ईयर में कितना हुआ होगा, 1 ईयर में 10% हुआ होगा स्टूडेंट्स, यस। 6 साल में 60%, तो 1 साल में कितना, 10%। अब मुझे साफ साफ बोला गया है कि क्या करना है, मुझे 12,000 पे प्रिंसिपल 12,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरा 10% पर एनम, और टाइम कितना है 3 ईयर, मुझे ये बताना आपने। दो तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, चलिए पहले ट्राई करते हैं। देखो भाई 12,000 है, पहले साल की बात करूंगा कितना आ गया, 10% यानी 1/10, यानी यहां पे कितना आएगा 1200। जहां समझ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर ये पॉइंट बता दीजिए, फिर बात करेंगे, यानी 1/10 कितना आ गया 1200, फिर इसका 1/10 कितना होगा 120, नेक्स्ट पे इसका 1/10 कितना होगा 1200, इसका 1/10 कितना होगा 120, इसका 1/10 कितना होगा 120, और लास्ट इसका 1/10 कितना होगा, होपफुली ये विजिबल होगा, यस। तो टोटल कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा 1200 1, 2, 3 यानी कितना 3600 प्लस 120 गुणा 3 यानी कितना 360 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 3972। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, एक और इसका मेथड उसको भी देख लेते हैं अभी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बताना है, है ना, मुझे बेसिकली क्या बताना है, इंटरेस्ट। देखो दूसरा मेथड क्या है मेरे पास, देखो मेरे को प्रिंसिपल पता है और मुझे बेसिकली डिफरेंस बताना है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। अगर मैं बेसिकली 10% की बात करूं, जो चीज 10 थी वो 11 होगी, पहले साल जो 10 थी वो 11 होगी, और तीसरे साल पे जो 10 थी क्या होगी 11, यानी जो वैल्यू 1000 थी मेरी कितनी हो चुकी है एस्पिरेंट्स 1331। ये क्या है, प्रिंसिपल है और ये मेरा क्या अमाउंट, ये मेरे प्रिंसिपल और अमाउंट का बेसिकली रेशो है मेरे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना दिया है 12,000 गुना, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है इसको भी 12 टाइम्स कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो ये कितना होगा, देखो 12 तिया कितना होगा 300, 3600 प्लस 30 गुना 12 360 प्लस 12, ध्यान से देखो ये 3 टर्म्स ही अभी, यस। इसीलिए मैंने एक लॉजिकल पेयर में लिखा था ताकि यहां पर आपको मैं कंपेयर करके दिखा सकूं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, आपकी खुली छूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट करिए प्लीज, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, क्लियर। तो मिक्स क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर/आवर 40 किलोमीटर पर आवर एंड टेक 50 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर व्हाइल दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन।
सेम डायरेक्शन, देखो मैं आपको बताऊं एक लॉजिक थोड़ा सा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जैसे ए और बी, मैं स्टैंडर्ड केस लेके चल रहा हूं, स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, क्लियर, तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, डेल्टा में लिखो क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वो क्या होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ दी ए स्पीड ऑफ दी बी, क्लियर। अगर मैं बात करूं ये ऑपोजिट हो गया, अगर सेम की बात करें, सपोज कीजिए बी जा रही है और इसके पीछे ए आई, यहां पे भी स्पीड ऑफ दी ए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ दी बी, ये मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये मेरे पास सेम डायरेक्शन है जो मुझे अभी मेरे क्वेश्चन में केस दिया हुआ, तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी मेरी, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस करना, सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, क्लियर। ये दो केस हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, क्लियर, जैसे यहां पूछा गया, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या दिया, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ इक्वल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बी है, मुझे गिवन है, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर, स्पीड ऑफ ए कितने दिए मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी कितने दिए 40 किलोमीटर पर आवर, टेक 50 सेकंड टू क्रॉस इच अदर, मतलब टाइम कितना दिया मुझे 50 सेकंड्स इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट विल व्हाट टाइम विल दे टेक टू क्रॉस इच अदर इफ दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होगा मुझे, तो डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, देखो ये किसमें किलोमीटर पर आवर में और ये किसमें सेकंड्स में, तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑफ मीटर पर सेकंड एज यू नो, तो डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले सेम डायरेक्शन है तो 60 माइनस ऑफ 40 इनटू 5 बाय 18 और टाइम कितना दिया मुझे 50 सेकंड्स, तो ये कितना होगा 20 इनटू 5 बाय 18 इनटू ऑफ 59 10, ये कितना हो गया 2500/9 मीटर। देखो डिस्टेंस आप चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट लो, डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप सेम डायरेक्शन में जाइए चाहे ऑपोजिट में जाइए वो सेम रहेगा। तो सेकंड केस के लिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम, तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, जब मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं इतना, ऑपोजिट में भी सेम रहेगा, अब कितना आ गया मेरे पास, क्या बोला जा रहा है, बंदे करो दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 60 प्लस 40 इंटू 5 बाय 18 इंटू ऑफ इट्स टाइम, अब ध्यान से देखो जरा, देखो 9 दुनिया 18 ये कितना हुआ 100, 20 से 20 कट के 5 25, 5 होना 2 कितना बचा, ऑप्शन नंबर ए 10 सेकंड्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन, क्लियर। मैंने सेशन में भी करवाया, ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग चीज है, देखिए क्या है, द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स रिमाइंडर 3, बट वेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर इज, करिए क्वेश्चन प्लीज। देखो सबसे पहले वो नंबर खोजो जो 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल हो और 3 बचे, है ना, मतलब सबसे पहली बात नंबर डिविजिबल बाय 5, 6, 7, 8 कि कोई नंबर 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल है कैसे, सबसे पहले नंबर फाइंड आउट करो ये वाला, तो 5 को लिखूंगा मैं 5^1, 6 को लिखूंगा 2^1, 3^1, 7^1 और 2^3, क्लियर, तो ये कितना हुआ मेरे पास 2^3 इंटू 3^1 इंटू 5 इंटू 7 ये कितना 8 या 24, 5 120 × 7 840 आ गया, यानी 840 के टाइप में लूंगा मैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा यही एक नंबर ऐसा, 840 के टाइप हुई है
कि जैसे जैसे आप k की वैल्यू पुट करते रहोगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपके पास अलग अलग सीक्वेंस में आती रहेंगी वैल्यूज, क्लियर। जैसे 840 को दो, जब k2 पुट करोगे तो अलग आएगी, 3 पुट करोगे तो 2520, ऐसे करके। बट लीव रिमाइंडर 3, इसके लिए क्या करोगे, लीव रिमाइंडर 3 इस केस में क्या होगा, 840 के प्लस 3 क्या ये होगा, यस यही होना चाहिए मेरे पास, 840 के प्लस 3 ये होना चाहिए। रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन, कि 840 के तो ऐसा नंबर है जो 5 से 7 8 से 4 से डिवाइड हो रहा है, बट प्लस 3, प्लस 3 के केस में क्या है, रिमाइंडर छोड़ेगा। अब वो कह रहा है भाई ये नंबर देखो, मेरा क्वेश्चन यहां तक होगा, बट लीव्स When divided by 9 leaves no remainder. अब मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ये तो नंबर निकल गया जो 3 से डिवाइड करके मेरे को 5 से 7 8 से डिवाइड करके 3 छोड़ेगा, बट अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 9 से डिवाइड हो और कोई रिमाइंडर ना छोड़े। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, k की वैल्यू 1 पुट करो, 843 तो है नहीं, k की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो गया, 840 गुना कितना 1680 प्लस 3 कितना हो गया, 1683 आ गया। देखो 9 से डिवाइड करके देखो इसको जरा, मेरे ख्याल से तो हो रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, देखो ये कितना बचा मेरे पास, अगर मैं इसे बेसिकली डिवाइड करूं 16839, आपको एक और तरीका बताऊंगा करने का, 9 कम 9 अच्छा कितना बचा, 7 8 9 72 9 7 63 यस 1683 इज द राइट आंसर। देखो आप एक चीज और कर सकते थे, ये बेसिकली नंबर है क्या, 1800 माइनस ऑफ 117 है, होगा ये होगा 200 पे, यस ये होगा 9 कम 9 9 3 27 13 पे, यस 117 187 पे जा रहा है, यस क्लियर। तो उल्टी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट इसके लिए प्रैक्टिस ही होगी, इस मेथड के लिए यू नीड प्रैक्टिस, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही होगी। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, नोट कीजिए फटाफट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो एजी से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपको, अगर बेसिकली बात करो एजी से कई बार दो दो क्वेश्चन भी आए दो तीन साल पहले आप, क्लियर। तो एजी का क्वेश्चन तो बनता है मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में। चलो जी, 4 इयर्स अगो व्हाट इज द एज ऑफ तेजा, तेजा की एज बतानी मुझे। 4 इयर्स अगो राजू वाज एज ओल्ड एज तेजा इज प्रेजेंट। एक बात आओ, सपोज करो आप और मैं बेटा, जितनी आपकी एज आज है ना उतना मैं 4 साल पहले था, तो आपकी और मेरी एज का डिफरेंस बेसिकली 4 हुआ, यस बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ, तेजा एंड राजू। 4 इयर्स अगो राजू वाज एज ओल्ड एज तेजा इज प्रेजेंट, अगर तेजा एक्स है तो डेफिनेटली राजू जी हैं 4 साल बड़े, क्लियर। अच्छा सीताज प्रेजेंट एज इज 2 टाइम्स राजू से एज, अगर मैं सीता की बात करूं, सीता की एज कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ राजू से एज, मतलब जो राजू की एज है सीता की एज से दोगुनी है। द एवरेज एज ऑफ तेजा एंड सीता इज 19 ईयर, तो राजू प्लस सीता की एज कितनी है एवरेज, यानी 2 into ऑफ एक्स प्लस 4, किस किस की बोल रहा हूं, तेजा एंड सीता प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 19, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 2x प्लस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 38, 3x इज इक्वल टू 38 माइनस 8 इज इक्वल टू 30, तो 10 आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया, तेजा की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली डाटा सफिशिएंसी टाइप एजेस का क्वेश्चन है, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या दिया क्वेश्चन में, एनी टू स्टेटमेंट्स, ओनली सी ऑल ऑफ 3 स्टेटमेंट, यस मुझे तीनों के तीनों स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि पहले स्टेटमेंट राजू और तेजा के बीच में रिलेशन बताया, दूसरी ने क्या बताया राजू और सीता के बीच में बताया, तीसरी ने तेजा और सीता के बीच में बताया, क्योंकि इस 19 के बिना तो बता ही नहीं सकता, सिर्फ रेशियो बन के रह जाएगी, क्वेश्चन नहीं होने वाला, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट है मेरे पास बट नॉट द लिस्ट, टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको प्लीज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कितना। चलिए, एबीसी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ऑल द थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए, यही आएगा, कैन ए कंप्लीट, या कैन ए कंप्लीट वर्क अलोन या वर्किंग अलोन,
ऐसे लिख लो, यानी मुझे एफिशिएंसी पे चाहिए होगी। तो सबसे पहले टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिए, 10 डेज दिए, तो मेरे पास टोटल वर्क आ गया 10। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई, 1 यूनिट पर डे आ गई। स्टूडेंट्स क्लियर, ऑल द थ्री स्टार्ट वर्किंग इट एट इट टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। देखो अगर बेसिकली बात करूं एक यूनिट पर डे यानी एक दिन का वर्क कितना है, एक आ गया। सो 4 डे वर्क कितना है हमारे पास, 4 यूनिट। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा, ठीक। सो रिमेनिंग वर्क विल बी हाउ मच, रिमेनिंग वर्क विल बी हाउ मच, 6 यूनिट्स। ये काम बी और सी ने 10 दिन में खत्म किया, 10 मोर डेज। सो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ बी प्लस सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, सो रिमेनिंग वर्क 6 टाइम ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी मुझे गिवन है 10 डेज इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, ये कितना गया 0.6 आ गई, साफ साफ दिख रहा है 0.6। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर एक है तो एक में से 0.6 माइनस कर दोगे जो किसकी है, बी प्लस सी की, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 0.4। तो भाई टोटल काम कराना 10 काम कराना किससे, टाइम ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 4/10, तो 2, 5, 5 आंसर इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 25 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगर है हमारे पास तो। क्लियर, चलिए आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए नेक्स्ट मेरे पास है नंबर 1 बने हुए लगातार कितने सालों से, ठीक है जी, 2021 की अगर वो बात करो स्टूडेंट्स 41 सिलेक्शन थी, 2022 की बात करो 27 से ज्यादा सिलेक्शन थी एचसीएस में। क्लियर, नंबर ऑफ टेस्ट 26 दिए गए हैं इस एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में, जिसमें 4 आपके जनरल स्टडीज के, 4 आपके कंप्लीट सी सेट के टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ मात्र 6500 रुपए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा जी के सेंटर नहीं जी उतने, बिकॉज हरियाणा जीके का भी हो चुका है हमारे पास, ठीक है। 500 एमसीक्यूज मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, और सिर्फ कितने रुपए में, 400 रुपीज में। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू।